मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के 20वें आयोजन पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से आरंभ हुई विजय मशाल यात्रा का जिला मंडी के सेरी मंच पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया तथा कारगिल के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के 20वें आयोजन पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से आरंभ हुई विजय मशाल यात्रा का आज जिला मंडी के सहरी मंच पहुंचने पर भव्य स्वागत किया तथा कारगिल के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सहरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सूरवीरों की शौर्य गाथा को याद करने का ये एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक दुश्मन को सबक सिखाने वाले भारत के साहसिक और निर्भीक सैनिकों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन विजय में देश के 4 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत के विक्रम बत्रा और हवलदार संजय कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में देश के 527 सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें से वीरभूमि हिमाचल के 92 सैनिक शामिल थे। इनमें 12 जिला मंडी के जवान थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सैनिकों व उनके परिवार के कल्याणों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि कारगिल शहीदों के 28 आश्रितों को पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसियों आवंटित की गई हैं। प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपये तथा घायलों को 5 लाख रुपये सहयोग देने का निर्णय लिया है तथा वीर सैनिकों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर पंडो आर्मी कैंप के कमांडिंग अफसर कर्नल एनके शर्मा ने बताया कि विजय मशाल देश के 11 शहर व कस्बों से गुजरती हुई जम्मू कश्मीर के द्रास में कारगिल बार मेमोरियल ज्योति में विलय होगी। कार्यक्रम में मेजर विक्रम ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से आरंभ होकर द्रास पहुंचने वाली विजय मशाल यात्रा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ऑपरेशन विजय पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया तथा डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय विद्यालय खलियार द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विधायक कर्नल इंद्र सिंह, विधायक विनोद कुमार, विधायक इंद्र सिंह गांधी, नगर परिषद की अध्यक्षता सुमन ठाकुर, बाल संरक्षण आयोग की सचिव पायल बैद, सेना के अधिकारी, पूर्व विधायक कन्हैया लाल, पूर्व विधायक डीडी ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव, अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा, पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह तथा विभिन्न पदाधिकारी सूबेदार मेजर रमेश, एनसीसी मंडी, शहीदों के परिजन। कार्यक्रम में गुजरात से आए ब्रिगेडियर अजीत सिंह तथा एनसीसी के 31 छात्र छात्राएं विशेष रूप से अन्य सहित में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में विजय मशाल को आगामी यात्रा हेतु सेना के अधिकारियों को सौंपा। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के द्रास में 26 जुलाई को सम्पन्न होगी। ऐसा अनुभव कर रहे थे कि बहुत पुरानी बात नहीं, अधिकांश लोग यहाँ तो बैठे हमारे सामने उस दौर को स्मरण करते होंगे, याद करते होंगे, क्योंकि उस दौर को हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। कारगिल के जो हमारे जितने शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए। और राइफल मैन संजय सिंह जो घायल हुए बिलासपुर से संबंधित, इन दोनों वीर जवानों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। हिमाचल भले ही छोटा सा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद इस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हुए 52 सैनिक जो है जिन्होंने शहादत हासिल की, मैं उनको भी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अगर सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी बधाई कि हमारी रक्षा के लिए वो सेना के नौजवान सीमा पर खड़े होकर के अपनी जान की कुर्बानी की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा में काम कर रहे हैं। मैं उन वीर सैनिकों के लिए आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो देश की रक्षा में आज भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।